अरे रॉकी, राजू और बंटू, तुम लोग मेरे को कहाँ पर लेकर आ चुके हो? ना तुझे पता नहीं है तेरे हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा अजाब बना के रखी है। अब मैंने, राजू और बंटू, हम तीनों ने मिलकर यही फैसला किया था कि हम तुझे किसी तरह इस जगह पर लेकर आ जाए। ये माउंट चिलाड की सबसे ऊंची चोटी है। गाइस क्या किया जाए, ये लोग कहीं पर मुझे यहाँ से धक्का देकर गिराने तो नहीं वाले? अगर मैं यहाँ से गिरा ना तो पक्का मर जाऊंगा। मुझे डर भी लग रहा है, मुझे किसी तरह ना इन लोगों से दोस्ती करनी होगी और यहाँ से जाना होगा। अरे क्या, अरे रॉकी, राजू और बंटू, अरे देखो मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, और देखो मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आने वाला, इस दफा तुम लोग ही फर्स्ट आना एनुअल एग्जाम में। और देखो ऐसा मेरे साथ मत करो, यहाँ से चलते है ना, देखो मुझे ऊंचाई से आगे भी डर लगता है और तुम लोग मेरे को इतनी ऊंची जगह पर लेकर आ चुके हो। अगर तुम लोग ऐसा ही करोगे ना तो मैं गिर जाऊंगा और मेरे पेरेंट्स का तुम्हें पता नहीं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और तूने हमें बेवकूफ समझ के रखा है, जो हम तेरे पेरेंट्स को बताएंगे तेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता चलेगा। अब देख मैं तेरे को कैसे मार के यहाँ से गिराता हूँ, जो तूने सोचा ना वही तेरे साथ हम लोग करने वाले है। ये ले खास जोरदार किक। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, अरे मैं गिर जाऊंगा। अरे क्या ही मजा आ गया, क्या ही जोरदार पंच मारा मैंने नाव को, और कितनी ऊंची जगह से जाकर इस खाई में गिर चुका है वो। अगर वो बच भी गया तो जंगली जानवरों से छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे। उफ, ये क्या हुआ है? अरे मैं कितने जोर से जा रहा हूँ, हाउच, क्या जोर से लगा इस पत्थर के साथ मेरा सर। अरे मेरा सर चकरा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही और कुछ नजर भी नहीं आ रहा ठीक से, और चलने भी नहीं हो रहा मुझसे। मुझे यहाँ से जाना होगा। थैंक गॉड अपनी जान तो बची, लेकिन रॉकी, राजू और पंटू ने मुझे मारने की तो पूरी प्लानिंग की थी, अब तो मैं बच चुका हूँ। अरे मैं क्या करूँ उनके सामने, अब मैं आने वाला नहीं हूँ, वरना वो फिर से मेरे को ऐसा ही करेंगे। अरे मैं इतना ज्यादा डरपोक क्यों हूँ, और मेरे अंदर पावर क्यों नहीं है, मेरे अंदर पावर कैसे आएगी? अरे मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अरे गाइस क्या की जाए, मैं अपनी पावर को कैसे कलेक्ट कर सकता हूँ? काश मेरे पास भी सुपर हीरो जैसी पावर होती और इन लोगों को मैं सबक सिखा पाता, और फिर मैं बहुत सारे लोगों की मदद भी करता। अरे मेरे को यहाँ से जाना होगा। ओके अब मेरे को अच्छा फील हो रहा है, जो मेरा सर चकरा रहा था ना वो अच्छा अच्छा फील हो रहा है अब। मेरे को लगता है ना अब मेरे को जाना होगा। क्या किया जाए, मैं पावरफुल कैसे बनूंगा ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ से भागकर चलता हूँ। एक मिनट, ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, ये ऐसा क्यों लग रहा है, इतनी ज्यादा भीड़ क्यों जमा है, और यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। एक मिनट, सामने ऐसा लग रहा है ना हल्का, और हल्के बहुत ढेर सारे सूट हैं। क्या मैं ये सचमुच देख रहा हूँ? मुझे अंदर की तरफ जाना होगा, कहीं पर हल्क अपने सूट तो नहीं बेच रहा? अगर ये हल्का सूट मुझे मिल जाता है और हल्के एक सुपर हीरो है तो फिर मैं पावरफुल बन जाऊंगा, फिर रॉकी, राजू और बंटू का मुकाबला भी कर सकता हूँ, वो मेरे सामने भी नहीं आ पाएंगे, मेरे पास ओपी पावर होगी। मुझे जाना पड़ेगा। ओके यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाई गई है, मुझे सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक हल्के सूट बाय नहीं किए, मैं ही जाता हूँ ऊपर। अरे हल्क, मुझे तुम्हारा ये सूट चाहिए। मुझे यहाँ पर सारे सूट पावरफुल नजर आ रहे हैं, एक से एक सूट बढ़कर है। देखो मैं ये सूट बाय करना चाहता हूँ, और मैं भी पावरफुल बनना चाहता हूँ हल्क तुम्हारी तरह। मुझे पता है तुम्हारे ये सूट मिलने के बाद मैं पावरफुल बन जाऊंगा। देखो तुम पावरफुल तो बन सकते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है ये सूट सिर्फ पैसों के मिलेंगे, क्योंकि हल्क को एक पावरफुल सूट बनाना है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं अपने ये सारे सूट सेल कर रहा हूँ। देखो तुम बच्चे हो, तुम्हारे पास इतने पैसे तो नहीं होंगे। हाँ मैं तुम्हारी मदद पर जरूर कर सकता हूँ। देखो जो हल्क का वो पहला सूट है वो है $100 का, अगर वो सूट तुम्हें अच्छा लगता है तो $100 दो और वो सूट ले जाओ। अरे गाइस मेरे पास $100 है, मेरे पापा ने मुझे आज ही $100 दिए थे स्कूल की फीस देने के लिए, लेकिन वो फीस मैंने दी नहीं। ओके ठीक है हल्क, ये लो $100। और गाइस मुझे ये पहला हल्का सूट बाय करना होगा, जल्दी से मैं हल्के सूट को बाय कर लेता हूँ। ओके हल्का ये सूट तो मेरे पास आ चुका है, मुझे यहाँ से जंप करनी होगी। क्या ही मजेदार सूट है ये। अरे गाइस क्या ही ओपी जंप कर करके मैं जा रहा हूँ। अब मेरे को ना यहाँ से जाना होगा, इसके अंदर थोड़ी बहुत तो पावर है ही। गाइस यहाँ से ना वो सामने की तरफ ट्रेन आ रही है, क्या मैं उस ट्रेन को रोक पाऊंगा कि नहीं? अभी गाइस इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। अरे ये क्या बड़े बुरे तरीके से इसने मारा मुझे। अरे गाइस मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि इस ट्रेन को मैं रोक पाऊँ, लेकिन मैं नेक्स्ट सूट बाय कर सकता हूँ और उसके बाद हो सकता है मेरे पास ढेर सारी पावर आ जाए, फिर तो ये ट्रेन भी मेरे सामने कुछ भी नहीं होगी। पर बाकी सूट को बाय करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे को कलेक्ट करना है, और इन पैसों को कलेक्ट करने के लिए मुझे जाना होगा सिटी की तरफ, क्योंकि वहीं पर हो सकता है मुझे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाए। तो जल्दी से भाग कर चलते हैं यहाँ से। ओके गाइस भाग कर तो मैं इस साइड पर आ चुका हूँ, और यहाँ से जाना होगा। क्या ही स्पीड से जा रहा हूँ मैं। एक मिनट, पर ये पीछे मुड़ता हूँ, ये क्या देख रहा हूँ? ये तो स्कूल की बस है, मुझे लगता है ना यहाँ पर बच्चों को किडनैप कर
करके रखा गया क्योंकि साथ में ना गैंग वालों की वैन भी खड़ी है। पक्का कोई ना कोई लोचा है, मुझे जाकर देखना होगा, जल्दी से चलता हो। ओके यहाँ पर जाकर मैं छुप जाता हूँ, यहाँ पर तो ढेर सारे गैंग वाले हैं और इन बच्चों को किडनैप करके रखा है इन लोगों ने। अरे बाप रे, मुझे किसी न किसी तरह इनको बचाना होगा। पहले यहाँ पर छुप कर मैं सुनता तो हूँ कि कर क्या रहे हैं ये लोग। देखो लगता है तुम्हारे माँ बाप ने ना मजाक समझ के रखा है, उन्हें लगता नहीं है कि उनके बच्चे किडनैप हो चुके हैं। अगर तुम्हारी मम्मी पापा ने $1,00,000 ना भेजे तो तुम चारों के चारों मारे जाओगे। लिंकन हमें तोल दो, हमने क्या किया है? हमने कुछ भी नहीं किया, प्लीज हमें मत मारना, मम्मी पापा दे देंगे आपको पैसे। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ऊंचा ऊंचा बोलो जब मैं कॉल करूँ, ताकि तुम्हारे मम्मी पापा को यकीन आ जाए। देखता हूँ, सिर्फ 1 घंटे का इंतजार करता हूँ, अगर ना मिले पैसे तो तुम चारों को मार कर मैं यहीं पर फेंक जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ओके गाइस, ये तो इन बच्चों को मार सकता है, तो मुझे किसी तरह करके ना इन बच्चों की जान बचानी होगी। ओके मुझे जाना होगा। क्या ही जोरदार किक दी गाइस, इसे तो एक एक को उठा उठा कर मैं फेंक रहा हूँ। अरे तुम लोग मुझ पर शूट करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे मार नहीं पाओगे। ये गैंग वाला था गाइस, ये इन लोगों का बॉस। अरे ये भी शूट कर रहा है, ये ले खा जोरदार पंच। क्या ही जोरदार मारा गाइस, ये देखो ना ये लोग तो यहाँ पर भाग रहे हैं। अरे भागने नहीं दूंगा तुम लोगों को इतनी आसानी से, मुझ पर शूट कर रहे हो चुप चुप कर, ये ले खाओ जोरदार पंच। ओके सारे के सारे मारे जा चुके हैं और ये बच्चे भी मेरे बचा लिए, फाइनली ये बच्चे तो सेव हो चुके हैं। और ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, ये तो पुलिस वाले भी आ चुके हैं। अरे कहीं पर ये मेरे को पकड़ने के लिए तो नहीं आए। थैंक यू थो मत, हल्का आप काफी ज्यादा पावरफुल हो और मैं हल्का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने माली दान बता कर ये ताबत कर दिया कि आप ही सबसे पावरफुल तूपली लो। ओके गाइस थैंक गॉड, अब तो इन पुलिस वालों को यकीन आ जाएगा कि इन बच्चों की मैंने ही जान बचाई है। देखो हमने सब कुछ देख लिया है, हम वहाँ पर ही खड़े थे लेकिन हम लोग मौका ढूंढ रहे थे कि इन बच्चों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि हम लोग नजदीक आते तो ये बच्चों को शूट भी कर सकते थे और बच्चे मारे जा सकते थे। देखो तुमने जिस गैंग को मारा है उस गैंग को मारने का $10,000 का इनाम था और ये $10,000 तुम्हें ही मिलते हैं। अरे क्या $10,000 गाइस, ये तो बहुत अच्छा हो गया। वह समझ रहा था अभी मुझे पैसे कलेक्ट करने के लिए कहीं और जाना होगा। ओके ठीक है, तुम लोग इन बच्चों को लेकर इनके घर छोड़ देना, मुझे भी यहाँ से जाना होगा। जल्दी से भाग कर निकलता हूँ और गाइस सीधा पहुँचता हूँ वहाँ पर जहाँ पर हल्क वो सूट सेल कर रहा है। मेरे पास $10,000 तो आ चुके हैं, मैं नेक्स्ट सूट बाय कर सकता हूँ, $10,000 का कोई ना कोई सूट तो होगा ही। ओके गाइस भाग कर तो मैं इस जगह पर पहुंच चुका हूँ, ये देखो सामने की तरफ। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर 2 सूट और थे, वो कहाँ पर चले गए? मुझे लगता है हल्क ने बेच तो नहीं दिए वो सूट। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, वो सूट मैंने सेल कर दिया है, उसके मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे। लेकिन ये जो पहले नंबर पर सूट है ये पूरे $10,000 का है। अगर तुम्हारे पास $10,000 है बच्चे तो तुम ये सूट लेकर जा सकते हो। अरे ओके मेरे पास $10,000 है, ये लो $10,000। गाइस मेरे को लगता है ना अब ये पीछे जो सूट पड़ा हुआ है मुझे इसे ही ना जल्दी से बाय करना होगा, पहन लेना चाहिए सूट को। ओके इस सूट को तो पहन लिया है, क्या ही ओपी सूट है गाइस, मुझे यहाँ से जाना होगा। भागता हूँ मैं, इस सूट के अंदर पावर भी है, क्या स्पीड से मैं भाग पा रहा हूँ। आई नो मुझे पता था जैसे ही मैं नेक्स्ट सूट बाय करूंगा ना मेरे अंदर बहुत सारी पावर आ जाएगी, क्या ही लॉन्ग जंप कर पा रहा हूँ। इस सूट में तो कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, हल्की एकदम रियल पावर है। अरे एक मिनट, ये क्या, ये किसका मैसेज आया मुझे? अरे ये तो कैप्टन अमेरिका है ना, कैप्टन अमेरिका ने लोकेशन भेजी है और ऊपर लिखा हुआ है हेल्प। मुझे लगता है अब कैप्टन अमेरिका मुसीबत में है, मुझे इस लोकेशन पर जाकर कैप्टन अमेरिका की मदद करनी होगी। तो जल्दी से भाग कर जाते हैं, कैप्टन अमेरिका तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, हल्क आ रहा है। तो गाइस यहाँ से निकलता हूँ और सीधा इस लोकेशन पर पहुँचता हूँ। ओके गाइस भाग कर तो मैं इस लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ, लेकिन कैप्टन अमेरिका मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ओके वो सामने नजर आ रहा है, वो तो इस केज के अंदर बंद है, इस पिंजरे के अंदर किसी ने कैद करके रखा है कैप्टन अमेरिका को। पर ये कौन कर सकता, कैप्टन अमेरिका के पास भी तो पावर है ना। अरे कैप्टन अमेरिका क्या हो गया, तू इतना ज्यादा परेशान ना हो, मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगा। देखो तुम मुझे बाहर नहीं निकाल पाओगे क्योंकि इस पिंजरे के अंदर काली शक्तियाँ हैं, जैसे इस पिंजरे को कोई छुएगा वो भी इस पिंजरे के अंदर आ जाएगा और हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। इस पिंजरे को हाथ लगाने से ही मैं मर सकता हूँ, इसलिए मैं इसे हाथ नहीं लगा पा रहा। देखो ये सब कुछ किसने किया ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। अरे किसने किया है, कैप्टन अमेरिका कुछ बता क्यों नहीं पा रहा, इतना घबरा क्यों रहा है? कैप्टन अमेरिका तो पावरफुल सुपर हीरो है, वो ऐसे डरेगा मुझे यकीन नहीं आ रहा। ओके ये क्या हुआ, ये
लोग तो मुझ पर शूट करने के लिए आ चुके हैं। तुम लोगों की ऐसी की तैसी, लगता है ये वही गैंग है जिसने कैप्टन अमेरिका को कैद करके रखा है। अरे इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझ पर शूट करने की कोशिश कर रहे हो। अरे हल्क के पास क्या ही ओपी पावर है, तुम लोगों को ना उठा उठा कर फेंकूंगा मैं। ओके ये जितने भी थे ना इन सबको मेरे मार दिया है, सारे के सारे मर चुके हैं। अब कैप्टन अमेरिका तुझे मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ। बेवकूफ तुम फिर यहाँ से आगे, हल्क तुम्हें पता नहीं है इसको मैंने ही कैद करके रखा है। अरे ये क्या, ये भी हल्क है? अरे हल्क, लेकिन ये एविल हल्क है गाइस, मुझे लगता है। पर ये ऐसा कैसे कर सकता है, हल्क ने यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को किडनैप करके रखा है। अरे तू क्यों कर रही है सब कुछ? ये मैं तुझे बता ही देता हूँ, थोड़ी देर में तुझे पता चल ही जाएगा। गाइस ये तो मेरे को उठा उठा कर फेंक रहा है और मेरे को मार रहा है, लगता है इसे पता नहीं है मेरे पास भी पावर है। तो फिर खा ये ले जोरदार पंच। क्या ही मेरे इसकी मुंडी से पकड़ा और उठाया गाइस, ये उठा कर फेंका नीचे। अरे ये क्या है, लेकिन इसे हुआ कुछ नहीं है, लगता है ना हल्के सूट में इतनी पावर नहीं है। लेकिन मैं इसे पंच मार सकता हूँ, यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ और जोर जोर से पंच मार रहा हूँ। ओके पंच पड़ रहे हैं, पड़ रहे हैं। अरे उठना उठना, और ये ले जोरदार स्मैश हल्का। ये क्या हुआ गाइस, इसकी तो दजिया उठ चुकी है, ये मर चुका है, ये रहा सामने की तरफ। अब मेरे को जाना होगा कैप्टन अमेरिका के पास। अरे कैप्टन अमेरिका तेरा ये केज मैं खोल देता हूँ, क्योंकि उस एविल हल्क को मैंने मार दिया है, लगता है उसको भी किसी ने हैप्नोटाइज किया था। गाइस मैंने तो इसे छुआ लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं है। ओके यहाँ पर तो ये केज का डोर ओपन हो चुका है। थैंक यू सो मच, मुझे लग ही रहा था तुम मेरी जान बचा लोगे, क्योंकि तुमने किस तरह फास्ट तरीके से इन सारी गैंग वालों को मारा, उस एविल हल्क को भी। देखो तुमने मेरी जान बचाई है और मुझे पता है तुम्हें सूट की जरूरत है, तो ये ले $50,000 या $50,000 तुम्हारे काम आ सकते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी कैप्टन अमेरिका, वो तो तू भी सुपर हीरो है और मैं भी सुपर हीरो, इसलिए मैंने तेरी मदद की थी। लेकिन अगर दे रहा $50,000 तो मैं रख लेता हूँ। ओके अपना ख्याल रखना, मुझे यहाँ से जाना होगा। अब गाइस यहाँ से भाग कर निकलते हैं। क्या ही स्पीड से भाग रहा हूँ, अब सीधा पहुँचता हूँ ना मैं हल्क के पास जो सूट सेल कर रहा है। देखता हूँ $50,000 का कौन सा सूट मिलता है। ओके गाइस भाग कर तो मैं पहुँच चुका हूँ। ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ से तो एक और सूट गायब हो चुका है। अरे ये कल कह रहा है हल्क, कहीं पर मैं दोबारा आऊँ तो ये सारे सूट बेच कर यहाँ से निकल चुका हूँ। मुझे जल्दी करना होगा, जो कुछ भी करना है इन सूट को जल्दी से बाय करना होगा। देखो वो सूट भी बिक चुका है। अब ये जो सामने की तरफ सूट है पहले नंबर पर, ये है $50,000 का। अगर तुम्हारे पास $50,000 है तो ये सूट बाय कर सकते हो तुम। अरे हाँ क्यों नहीं हल्क, मेरे पास $50,000 है, ये लो $50,000। गाइस अब तो मेरे को इस सूट को जल्दी से पहनना होगा, चले जाते हैं इसके पास और पहन लेता हूँ मैं इस सूट को। ओके इस सूट को तो पहन लिया है गाइस, ये हल्क रिवेंज का सूट कितना ही खतरनाक है। और मेरे सर पर ये सींग देख सकते हो ना, अब तो मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा और पावर भी बढ़ चुकी है सूट के अंदर। जल्दी से चलते हैं गाइस, यहाँ से भाग कर जाना होगा क्योंकि मुझे बाकी ये जो दो सूट है ना किसी तरह भी बाय करने हैं। तो यहाँ से स्पीड से भागता हूँ मैं। एक सेकंड, ये क्या देख रहा हूँ मैं ऊपर, लगता है आसमान के ऊपर। अरे फिर से ना लगता है पार्कोर चैलेंज रखा गया ऊपर, मुझे जाकर देखना होगा मैं खेल सकता हूँ। लगता है कोई मेगा रैम स्टैंड चैलेंज है, अगर मैं इसे जीत देता हूँ ना तो वहाँ से भी पैसे मिल सकते हैं। तो जंप करके पहुँचता हूँ सीधा। ओके गाइस जंप करके तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। और ये क्या, इन गैंग वालों ने लगता है ये चैलेंज अनाउंस करवाया। ओके मैं भी इस चैलेंज को खेलना चाहता हूँ, मुझे इस चैलेंज के रूल जानने हैं। देखो सिंपल से रूल है, चैलेंज को खेलने के 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और एक चांस दिया जाएगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें मिलेंगे पूरे $1,000,000 और हारने पर तुम्हें $10,000,000 भी चुका रहे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है तुम्हें सही रास्ते को चूज करना होगा। हर जगह पर तीन रास्ते दिए गए हैं, तुम्हें इन तीन रास्तों में से सही रास्ते को चूज करके आगे जाना होगा। अगर एक बार भी गिरे तो एलिमिनेट कर दिए जाओगे और फिर तुम्हें $10,000,000 चुकाने होंगे। तुम रेडी हो ना? अरे हाँ मैं रेडी हूँ, $10,000,000 तो मैं देने वाला नहीं हूँ। गाइस ना मुझे अब जाना होगा, यहाँ पर तीन रास्ते हैं, इसमें से सही रास्ता कौन सा वो मुझे चूज करना है, क्योंकि जिस पर भी बाइक गई ना तो मैं नीचे गिर सकता हूँ। पहला तो ये रेड वाला रास्ता, मुझे लगता है यही सही रास्ता है, मैं बाइक टच करके जाता हूँ। अबे ये क्या हुआ, बाइक टच होता है ये रेड वाला रास्ता तो गिर चुका है। थैंक गॉड मैं तेजी से नहीं लेकर गया, नहीं तो सीधा नीचे गिरता मैं। ओके मुझे जाना होगा, अब वो जो तीसरे नंबर पर है उस पर ट्राई करता हूँ। मुझे लगता है ना इस पर भी बाइक को आराम से टच करना होगा, कहीं पर नीचे ना गिर जाओ। चलते हैं यहाँ से। ओके टच की लेकिन हुआ कुछ नहीं, लगता है यही सही रास्ता है। अरे ये क्या, पहले भी मैंने इतनी आसानी से ढूंढ लिया, अब मैं ऐसे ही करूंगा। अब मुझे जल्दी से इन तीन वालों को गिराना होगा। ओके गिरा दिया। ये वाला रास्ता है, ये क्या मिसाइल रखे गए हैं, मुझे ना इन मिसाइल के ऊपर जाना होगा। यहाँ से जाता हूँ तेजी से। ओके क्या ही तेजी से गई बाइक। ओके गिरना नहीं है, यहाँ पर लैंड कराई बाइक को। और ये क्या, इन दोनों फुटबॉल को गिरा कर मैं चेक कर लेता हूँ इन
तीनों में से अब कौन सा सही रास्ता है? गाइस ये क्या, अबे ये फुटबॉल तो उस साइड गिर चुका है, मुझे लगता है ना बाइक से ही थोड़ा सा टच करके देखना होगा। ओके ये पिंक वाले रास्ते को मैं टच करता हूँ, बाइक टच की मैंने, ये क्या हुआ, बाइक पीछे करनी होगी, ये तो गलत रास्ता है। अबे मुझे लगता है ना ये ग्रीन वाला हो सकता है, ग्रीन वाले को टच करता हूँ, ये क्या, अबे गिरने वाला हूँ, बाइक पीछे करनी होगी, ये भी नहीं है, यानी कि तीसरे वाला रास्ता सही है। अरे पहले में भी तीसरे वाला रास्ता सही था और यहाँ पर भी तीसरे वाला रास्ता सही है। ओके बाइक यहाँ से लेकर चलता हूँ, सीधा जाना होगा मुझे, इस टनल के अंदर नहीं घुस सकता, मुझे बाइक को ऊपर से ही लेकर जाना होगा। ओके बाइक ऊपर से लेकर जाते हैं, आराम आराम से जाना होगा, अरे बाइक को गिराना नहीं है। फाइनली इन फुटबॉल के ऊपर लैंड करवा दिया मैंने, यहाँ से चलते हैं सीधा, और यहाँ पर ब्रेक मार के लैंड हो चुके हम लोग। ओके यहाँ से जाना होगा मुझे, ये देखो ना आगे की तरफ क्या ही खतरनाक स्लाइड लगाई गई है, इन स्लाइड के ऊपर ऊपर करके जाना होगा मुझे। ओके जा रहा हूँ, मुझे नीचे नहीं गिरना। ओके अब ये क्या देख रहा हूँ, मुझे जल्दी से ना यहाँ पर ब्रेक मारनी होगी, और देखो ना इन वाली प्लेट्स के ऊपर ब्रेक मार के रुक चुका हूँ, अब सामने की तरफ जाना है। ओके गाइस अब सेंटर से ट्राई करता हूँ, यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ, पहले बाइक को टच कर लेता हूँ, ये क्या यही रास्ता सही है, अब ये आसानी से मिल गया मुझे। ये क्या आगे बॉक्सेस रखे गए हैं, इन बॉक्सेस के ऊपर से बाइक को लेकर जाना होगा। ओके आराम आराम से जा रही है बाइक, यहाँ से घुमानी होगी बाइक, फिर गया यहाँ से घुमाई, सीधा किया, घुमा, अरे बाइक ऐसे ही करना होगा, घुमा के सीधा। फाइनली ये दो लास्ट रह चुके हैं, इन पर भी मुझे जाना होगा और इन्हें पार करना होगा। ओके गाइस इन्हें भी पार कर लिया अपन लोगों ने, ये तो काफी ज्यादा मजेदार है चैलेंज। वैसे अभी तक तो मैं गिरा नहीं हूँ, लेकिन अपनी जरा सी भी गलती मुझे गिरा सकती है। इन बर्गर से मैं क्या स्पीड से जा रहा हूँ, इन बर्गर से एक एक करके जाना होगा। अरे ये क्या, मुझे नीचे लैंड करवाना है, सीधा फाइनली पहुंच चुका हूँ। ये क्या देख रहा हूँ, आगे की तरफ भी दो रास्ते हैं, कौन सा है? पहले तो मैं लेफ्ट वाले से जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, बाइक टच की, अरे ये क्या हुआ, अरे गिरने लगा था, बचे तो हो गए, ये तो पूरे का पूरा रास्ता गलत था, थैंक गॉड तेजी से नहीं गया। मुझे लगता है ना राइट वाला रास्ता सही है, अरे राइट वाली चीज हमेशा सही हो सकती है, मुझे यकीन नहीं था। मुझे जाना होगा, बाइक तेजी से भगाई और फिनिश पॉइंट तो मुझे नजर आ ही रहा वो सामने की तरफ, लगता है मैं बहुत ही ज्यादा करीब हूँ, 10 मिनट से पहले ही चैलेंज को पूरा करना है, क्या स्पीड से लेकर गया, इन प्लेट्स के ऊपर बाइक को करना होगा। ओके गई बाइक, गई, क्या ही खतरनाक तरीके से जा रही है, ब्रेक नहीं मार रही मेरे, इतनी तेजी से इन प्लेट्स के ऊपर तो कोई भी नहीं जा सकता बाइक से। पहले जा रही है, ये क्या देख रहा हूँ आगे की तरफ, ये देखो तीन वुडन ब्लॉक, इसमें से सही कौन सा है? मुझे लगता है सेंटर वाला सही होगा, जाता हूँ यहाँ से। ओके गया, ओके गिरने लगा था, बचत होगी, अपनी बाइक पीछे करनी होगी, किस्मत काफी अच्छी है, गिरते बचा मैं, ये लास्ट वाला सही था, अब फिर से तीन रास्ते मुझे रहम करनी होगी। मुझे लगता है यहाँ पर भी सेंटर वाला सही हो सकता है, तो चलता हूँ यहाँ से। ये क्या, अरे इसके साथ टच होते ही मैं नीचे गिर सकता था, यानी कि ये सेंटर वाला और तीसरे नंबर वाला गलत था, ये ग्रीन वाला ही सही है। ओके थैंक गॉड वो दोनों आपस में टक्कर कर ही गिरे। मुझे यहाँ से बाइक घुमानी होगी, ओके सीधी कर ली, ये देखो ना ये ग्रीन रास्ता है, यहाँ से मुझे रैंप करनी होगी। ओके तेजी से करते हैं, 1 2 3 एंड गो। फाइनली मैं इस जगह पर पहुंच चुका हूँ, अब आगे की तरफ ये देखो ना ये एरो है, इन तीनों एरो को मुझे चेक करना होगा, इनमें से सही कौन सा है। ओके पहले वाले पर मैं जाकर टच करता हूँ बाइक को, ओके ये टच की, ओके ये पहला और दूसरा यानी कि सेंटर वाला दोनों गिर चुके हैं, अब ये लास्ट वाला सही था जो कि बच चुका है। गाइस अपनी किस्मत देखी रहा, मेरे अभी तक बाइक को गिरने नहीं दिया है, बिल्कुल सही तरीके से जा रहा हूँ, चूज द राइट वे था और हम लोगों ने राइट वे को ही चूज किया है। अब यहाँ से तो मैं जा चुका हूँ, ये सामने की तरफ क्या देख रहा हूँ, दो टनल बने हुए हैं, इनमें से सही कौन सा है। ओके मैं इस फुटबॉल को टच करता हूँ, ये क्या फुटबॉल को टच करते ही अबे ये तो गिर चुका है, यानी कि ये दूसरे वाला सही था, थैंक गॉड मैं इस वाले रास्ते से नहीं गया, फुटबॉल ने मेरा साथ दे दिया। यहाँ से जाना होगा इस टनल से, क्या ही स्पीड से जा रहा हूँ, अरे मजा आ गया मेरे को। ओके अब यहाँ से सीधा जाना होगा, वो सामने की तरफ फिनिश पॉइंट है, अपन लोगों को ढेर सारे पैसे मिलने वाले हैं, पूरे $1 मिलियन मिलेंगे और नेक्स्ट सूट भी मिल जाएगा। ओके मैं यहाँ से पार कर रहा हूँ, यहाँ से सीधा जाना होगा। ओके अब यहाँ से तेजी से चलते हैं गाइस, और सामने की तरफ ये क्या देख रहा हूँ, आगे की तरफ ये पतला सा रास्ता, इससे मुझे जाना होगा। ओके ये पतले से रास्ते से सीधा मेरे किया जंप पर पहुंच चुका हूँ फिनिश पॉइंट पर, ये
यह चैलेंज मैंने जीत लिया है और फाइनली मेरे को पूरे $1 million मिल चुके हैं। गाइस देरी नहीं करनी चाहिए, मुझे जल्दी से ना इन पैसों को कलेक्ट कर लेना चाहिए। ओके गाइस, मेरे इन पैसों को कलेक्ट कर लिया है, अपने पास पूरे $1 million आ चुके हैं। अब जल्दी से मेरे को पहुंचना होगा चैलेंज पर और वहां पर जाकर नेक्स्ट सूट बाय करना होगा। तो जल्दी से भागकर मैं पहुंचता हूं उस चैलेंज पर। गाइस स्पीड अपनी और भी ज्यादा हो चुकी है क्योंकि खुशी मुझे काफी ज्यादा, अपने पास $1 million है और नेक्स्ट सूट बाय करने की अपॉर्चुनिटी भी। मुझे यहाँ से जाना होगा। ओके मैं पहुंच चुका हूँ सीधा। ये देखो ये क्या देख रहा हूँ, थैंक गॉड इसने सूट नहीं बेचे, मैं समझ रहा था ये सूट भी ये भेज देगा। ओके हल्क मुझे ये सूट चाहिए जो सामने की तरफ है। देखो ये सूट तो तुम्हें मिल सकता है, ये सूट पूरे $1 million का है। अगर तुम्हारे पास $1 million है तो इस सूट को लेकर जा सकते हो। अरे $1 million ही तो मैं लेकर आया था, ये लो $1 million। ओके गाइस अब जल्दी से इस सूट को पहन लेते हैं, ये सामने की तरफ है सूट। फाइनली सूट को तो पहन लिया, यहाँ से भागना होगा। इसके बाद ये लास्ट सूट है, वो भी मुझे किसी तरह कलेक्ट करना है। पहले तो गाइस आप लोगों को पैसे कलेक्ट करने होंगे जल्दी से जाकर। इस सूट में तो क्या स्पीड से भाग पा रहा हूँ मैं, सबको तबाह कर दूंगा अगर कोई भी मेरे रास्ते में आ रहा वो बचेगा नहीं। ओके भागते भागते तो मैं इस साइड पर आ चुका हूँ। ये सामने की तरफ क्या देख रहा हूँ, एक खतरनाक किस्म का ट्रक है। अबे ये तो गार्ड की गाड़ी हो सकती है, कितनी ओपी है, ऐसी गाड़ी मैंने देखी नहीं है। एक मिनट, सामने की तरफ तो ये कौन है, अरे देखा देखा लगता है, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन जो भी है गाइस मैं तो इसकी गाड़ी चुराने वाला हूँ। और ये गाड़ी अगर मैं सिमियन की शॉप पर बेच देता हूँ तो मेरे को ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। जल्दी से ना मुझे इसे पंच मारना होगा। क्या ही जोरदार पंच मारा इसके सर पर और ये बेहोश हो चुका है। यही अच्छा मौका है, इसकी गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं सीधा सिमियन की शॉप पर। अरे बैठना पड़ेगा और इस गाड़ी को भगाना होगा। ओके क्या स्पीड से इस गाड़ी को भगा कर लेकर जा रहा हूँ, मजा आ गया। ऐसी मस्त गाड़ी देखो गाइस, रोड पर एकदम ग्रिप है इस गाड़ी की। ओके गाड़ी को भगा कर तो मैं पहुंच चुका हूँ सिमियन की शॉप पर। ये क्या दिख रहा हूँ, सिमियन तो सामने की तरफ ही है। उतरते हैं और इस सिमियन को मैं बताता हूँ, सिमियन अपनी इस गाड़ी को मैं सेल करना चाहता हूँ, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ऐसी गाड़ी तूने देखी नहीं होगी लॉस एंटोस के अंदर कहीं भी। देखो ये गाड़ी तो मिस्टर फिक्स की है, ये गाड़ी मैंने ही उसे कल सेल की थी। तुम्हें पता तो है पूरे लॉस एंटोस के अंदर सिर्फ एक ही शॉप है, वो भी सिमियन की प्रीमियम डीलक्स शॉप, जहाँ पर गाड़ियाँ सेल होती है। इस गाड़ी को तो मैंने काफी महंगा बेचा था, लेकिन मेरे पास सिर्फ $10 million है। अगर तुम इसे बेचना चाहते तो मैं इसे $10 million में ही खरीदूंगा। बोले मंजूर है तो $10 million मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। अरे $10 million गाइस, वैसे वो सूट कितने का मुझे पता नहीं, लेकिन ये $10 million से ज्यादा मुझे नहीं देने वाला। ओके ठीक है, ये $10 million में ही मैं इसे सेल कर देता हूँ। ठीक है फिर, ये $10 million तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया मैंने। ओके गाइस $10 million तो अपने अकाउंट में आ चुके हैं, अब मेरे को जाना होगा। भाग कर यहाँ से चलते हैं सीधा हल्क के पास और वहाँ पर जो लास्ट सूट है वो मैं से बाय करूंगा, वो सूट मुझे ही मिलना है, मुझे जल्दी पहुँचना होगा। ओके गाइस भाग कर तो आ चुका हूँ, मुझे जल्दी से जाना होगा, थैंक गॉड वो लास्ट सूट वहीं पर ही है। ओके मैं पहुँच चुका हूँ। अबे हल्क ये सूट मैंने बाय करना है जो लास्ट सूट है। देखो मुझे लगता है तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो देखो मेरा टाइम वेस्ट ना करो, ये सूट $10 million का है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव, पूरे $1 crore का। अगर तुम्हारे पास $10 million है तो लेकर जा सकते हो बच्चे इस सूट का। अरे $10 million बस इतनी सी बात, ये ले $10 million बस, ये समझ ले ये सूट मेरा हो गया। पहली गाइस इसे पता नहीं था, थैंक गॉड ऊपर वाले ने अपना साथ दिया, $10 million में लास्ट सूट मिल चुका है। अब तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, जल्दी से इस सूट को पहन लेता हूँ। ओके गाइस इस सूट को तो पहन लिया है, अब मेरे को यहाँ पर तबाही मचानी होगी। ये सब लोगों को मैं बताता हूँ मेरी पावर, ये देखो ना कितना ही खतरनाक हूँ मैं। ओके क्या स्मैश किया और सब के सब भाग रहे हैं, बचोगे नहीं। ये लो मेरा स्मैश और ये लो जोरदार का पंच। फाइनली गाइस सारे के सारे बाहर जा चुके हैं, मैं कितनी लॉन्ग लॉन्ग जंप कर रहा हूँ। ओके अब तो मेरे को मजा आ गया, ये ट्रेन जा रही है, इस पर भी मैं अपनी पावर को चेक करता हूँ। ये क्या पूरी की पूरी ट्रेन ही मैंने उल्टा दी, अरे इसी ट्रेन ने मुझे मार कर गिराया था ना जब मेरे पास पहला सूट था, ये फेंकी मैंने ट्रेन को। ओके मजा आ चुका है, अब तो मेरे पास इतनी पावर है कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। गाइस मेरे को जाना होगा, सारे एक्सपेंसिव सूट बाय कर लिए हैं, अब रॉकी राजू और भंटू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उन्हें अब मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी ना। तो गाइस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी और कमेंट सेक्शन में हल्क ओपी लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।